सर जैसे कि आज हालात शहर में बहुत सारे हालात चेंज है, जैसे कांग्रेस ने उधर से कैंडिडेट बदली करी, आज कन्हौनी साहब ने इधर से है तो अपना टिकट वो कर दिए, फॉर्म वापस ले लिए, और भी बहुत सारे वंचित ने दो दो मुस्लिम उम्मीदवार दे दिए। बताइए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैशर असद अवेसी साहब ने जो दो उम्मीदवार डिक्लेयर किए उसमें कोई रद्दबदल हुआ क्या? हताशा और बौखलाहट का शिकार वो पार्टियां जिन्होंने जमीन पे काम ही नहीं किया, और जो अवाम के मसाइलों से बेबहरा है, जिनको अवाम के मसाइल मालूम ही नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत डेवलपमेंट की इस शहर को है, और शहर के हर समाज के लोगों की जरूरत क्या है, किसानों की जरूरत क्या है, महिलाओं की जरूरत क्या है, पढ़ने वाले नौजवानों की क्या है, हेल्थ के क्षेत्र की क्या है, तो इन सारी चीज़ों की जब इनको सत्ता में बैठने वाले और विपक्ष में बैठने वाले यही बस एक दूसरे की घोड़ दौड़ कर रहे हैं, कोई ये घोड़ी पे से उतर के वो घोड़े पे बैठ रहा, कोई वो घोड़ी पे से उतर के ये घोड़े पे बैठ रहा। ये धंधे इन लोगों के हैं जिन्होंने समाज में कोई काम नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों सिपे मजबूती के साथ मैदान में है, और हमने कुछ दिन पहले कहा था कि जितने उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं आने दो, इनको इनकी टक्कर, इनको मुकाबला सिर्फ और सिर्फ MIM के सिपाहियों से करना है। और एक बार इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारा है कि पसीने छूट रहे सबके, मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे, कोई टिकट वापस ले रहा है, तो कोई टिकट कैंसिल कर रहा है, तो कोई टिकट मांगने जा रहा है, तो कोई टिकट छोड़ के भाग रहा है, कौन से धंधे चल रहे हैं। हम मजबूती के साथ मैदान में, क्यों तो हम इस शहर औरंगाबाद को, इस महाराष्ट्र को डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, ये विपक्ष में रहने के बाद ये पूरी चीजों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सारी चीजों को मानती है। रहा दूसरा सवाल आपका कि आपने कहा है कि वंचित ने दोनों तरफ से मुसलमान उम्मीदवारों को दिया है, इससे पहले भी दिया था, कौन सा तीर मार लिया उन्होंने? वंचित बहुजन अघाड़ी जो पार्टी है इसका वोट से दिन ब दिन घटता जा रहा है, और आने वाले इलेक्शनों के अंदर मेरे को ऐसा लगता है वो सफे हस्ती से यानी कि हाशिए पे चले जाने वाली है। और दूसरी चीज इनकी ये है कि वंचित बहुजन समाज एक ऐसी राजनीति खेल रही है कि वो कांधे तो मुसलमानों के इस्तेमाल कर रही है लेकिन कम्युनल फोर्सेस की मदद कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि आप उम्मीदवार तो दे रहे हैं, हमारा सीधा सवाल है उन उम्मीदवारों को समाज की वोट भी दिलाओ, और अगर समाज की वोट नहीं दिला सकते तो मुस्लिम समाज बेवकूफ नहीं तुम्हें दो वोट भी डालने के लिए। हम भी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और हम पूरी बेदारी के साथ में इस बार के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में खड़े हैं, कि तो पार्लियामेंट के अंदर इनका पूरा तमाशा देख चुके हैं, अब बार बार लोग इनके छासे में आने वाले नहीं। जैसे कि आज यूसुफ मुकाती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि MIM का यहाँ पर कोई सच्चा नहीं है, मतलब MIM भी खत्म हो रही है। देखिए अगर कोई शख्स बुरे ख्वाब देखने का आदी है तो उसको बुरे ख्वाब देखने दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन के ऊपर उतर के काम करती है, और शायद उन्होंने खुले आंख से ख्वाब नहीं देख रहे, खुले आंख से क्या चल रहा मैदान में, कौन कहाँ भाग रहा, कैसे क्या हो गया, कौन बेवफा हो गया, किसका क्या हाल हो गया। अभी तो रंग रहा है, कल का दिन जाने दो, जब सिंबल साथ में आ जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे, जब सर आप समझ में आएगा कौन कितने पानी में। पार्टियां जो है ना पोलराइजेशन की राजनीति खेलना चाह रही है, काम कुछ नहीं किए ना BJP वालों ने किए, ना एक ना शिंदे वालों ने किए, ना कांग्रेस ने किए, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किए, ना शिवसेना ने की। सिर्फ लोगों के जनहित के पक्ष अगर जमीन पे किसी ने उठाया तो वो पार्टी का नाम है सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो क़यादत का नाम है सैयद इम्तियाज जलील, वो क़यादत का नाम है नासिर सिद्दीकी, वो क़यादत का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैशर असद अवेसी साहब। तो जो लोगों ने जमीन पे काम नहीं किया, भाड़े के टट्टू अला अला के खड़े कर रहे, इधर से भाड़े के टट्टू ला रहे हैं, तो कोई भाड़े के टट्टू को घोड़े पे से उतार रहा है, फिर एक नया बछड़ा सामने ला रहा है, देखो भी कौन कौन से खेल रहे, सारे खेलों को राजनीति को अफवाह बहुत अच्छी नजर से देख रही है। क्यों तो आज मसले जो अफवाह के मसाइल के ऊपर बात होना चाहिए था वो मसाइल पर बात नहीं हो रही है, सब अपने जाति मफाद के लिए दल बदलते भाग रहे। सर जैसे कि पूर्व में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, उस पर क्या कहेंगे, और सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार? देखिए उम्मीदवार कितने ही आने दो, हमारे रायहिंदगान यानी कि जो वोटर्स है वो बहुत बेदार है। तो क्या इससे पहले पार्लियामेंट में नहीं थे क्या? शंबर पन्नाश लेने वाले बहुत आ रहे, और इनकी गाड़ी के अंदर तेल पानी कहाँ से आ रहा है अवाम को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और कुछ तो सियासी बीमारी हो गए, हर इलेक्शन आया तो पहले कुछ जा रहे हैं, उनका इलाज ही इलेक्शन हो गया मेरे ख्याल से। उनका बेचारे को चाहे वो कैश क्रेडिट सोसाइटी का इलेक्शन हो, ग्राम सभा का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, खुद ही मार दे रहे, पहले खुद ही मार के समझ रहे बस कि बस कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये जो सियासी बीमार है इनका इलाज शहर के लोगों के हाथ में है,
दो पांच वोट मत डालो ऐसे लोगों को जो अवाम के मसलों में रहते नहीं, अवामी मसाइल में आते नहीं, अवाम के इश्यूज को उठाते नहीं और इनको अवाम के मसाइल क्या है मालूम नहीं। तो ऐसे लोगों की इस इलेक्शन में बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है। और देखना आप एमआईएम के उम्मीदवारों की तरफ लोग कितनी तेजी से आएंगे और ये जो लोग जो गलत अजायम लेके और गलत इरादे लेके मैदान में कूद रहे हैं और जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे वोटों का बंटवारा करने के मकसद से, और मैं तो खास तौर से कहूंगा मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जो लोग मैदान में आ रहे, इस बार उनको बहुत जम के मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि तो अवाम उनको उनकी हैसियत और उनकी औकात बता दी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।